हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं एक और टेक्निक के बारे में आपको बताने वाली हूँ। अमेजिंग टेक्निक है ये भी मेरे ख्याल से मेरे चैनल पे या जो आप देखते हो उसमें न्यू ही है। मैंने ये किसी चैनल पे ना सुना है ना देखा है, बट ये अमेजिंग है। ये मैंने खुद भी बनाई है, लास्ट नाइट में ही मैंने बनाई है। और उस टेक्निक का नाम है सक्सेस वॉल टेक्निक, यानी सफलता की दीवार आपको बनाना है। ये तो मेरा विजन बोर्ड है, पर वो भी लगभग इसी तरह की होती है। पर विजन बोर्ड में हमें जो मैनिफेस्ट करना रहता है हम वो लगाते हैं। इसकी अलग मैं एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर चाह भी रहे हैं कि विजन बोर्ड कैसे बनाया जाए, मैम इसके बारे में बताइए। तो वो हम बाद में चर्चा करेंगे और उसका एक अच्छा डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपना अभी विजन बोर्ड 10 गोल का बनाने वाली हूँ, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये जो मैं अभी आपको स्टोरी बताने वाली हूँ, इस एक स्टोरी भी है और साथ में ये सक्सेस वॉल कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ और क्यों बनाना है। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या जो भी चीज़ पाना चाहते हो, जैसा बनना चाहते हो, जैसी भी आपकी ड्रीम लाइफ है, सबसे पहले तो उसके लिए आपको टोटल क्लैरिटी चाहिए। क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी तो सक्सेस वॉल भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगी। फिर भी आप सक्सेस वॉल को बनाओगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो एटलीस्ट बढ़ जाएगा। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है, जो सक्सेस वॉल टेक्निक है, कि अगर आपको पता ही नहीं कि आपके जीवन का पर्पस क्या है, तो कई बार वो पर्पस भी दे देता है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है हर टाइम में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वाइब्रेट कर रहा होता है, डिफरेंट इमोशंस में रहता है। बोलते हैं ना, मनुष्य भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाता है। तो जब हम किसी भावना में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं, तब हमारे अंदर से कुछ और चीज़ें निकल के आती, कुछ इंट्यूशंस आते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं और अगले ही पल हम शायद बोलते हैं नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है, वो मैं नहीं करना चाहता। या किसी ने बोल दिया, अरे तुमसे तो इतना छोटा सा काम ये भी नहीं हो रहा है, तुम क्या करोगे, पहले तुम अपना शरीर ठीक कर लो। थोड़े जो जिनका वेट ज़्यादा रहता है उनको बोलते हैं कि आप पहले वजन तो कम करो उसके बाद, या जिनका कम रहता है उनका बोलते हैं आप बढ़ाओ। मतलब लोगों को, या इंटेलिजेंट नहीं है, ये धीरे काम करता है, ये अच्छा, बहुत सारे इस तरह के कमेंट मिलते हैं जो सिर्फ नेगेटिविटी को ही बताते हैं और हम उसको अपनी पहचान बना लेते हैं। तो हम अपना असली मकसद, अपनी इनर पावर को भूल जाते हैं, इनर फ्लेम जो हमारी वो बुझ जाती है। तो इनर फ्लेम को जगाने के लिए एक सक्सेस वॉल बहुत अच्छे से काम करती है, आपके जो भी पोटेंशियल है उसको जगाने में काम करती है। अब ये सक्सेस वॉल किसके लिए बनाना है, कैसे बनाना है, तो सक्सेस वॉल आप अपने पर्सनल इंडिविजुअल खुद बना सकते हो, अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हो, परिवार में किसी के लिए भी बना सकते हो। और ये अमेजिंग तरीके से काम करती है। अब इसमें करना क्या है, सक्सेस वॉल बनाने के लिए या तो आप अपनी किसी दीवार को चुन लीजिए, और अगर उसको आप नहीं बनाना चाहते हो तो इस तरह से कार्डबोर्ड, इस तरह से बोर्ड ले लीजिए। अदरवाइज जो हार्ड पेपर के बोर्ड आते हैं, इस तरह के हार्ड पेपर के बोर्ड आते हैं वो ले लीजिए, वरना जो प्लेन चार्ट आते हैं वो भी ले सकते हो, उसको आपको लेना है, बड़ा साइज ले लीजिए। और उसमें आपको कुछ पिक्चर्स, इमेजेस मैगजीन से या न्यूज़पेपर से या फिर गूगल से प्रिंट करके, आपको जहाँ भी ऐसा कुछ आप देखते हो और आपको ऐसा लगता है, वो चीज़ें आपको प्रिंट करके निकालना है। ये उनके लिए है जिन्होंने पास्ट में कोई अचीवमेंट नहीं किया है। और सबसे इस जो आइडियल सक्सेस वॉल बनती है वो ऐसी बनती है कि पास्ट में आपने कुछ भी अच्छा किया हो और उसके बारे में आपको अच्छा लगा हो, अगर कुछ अचीव नहीं भी किया हो, जैसे बच्चे हैं तो कुछ अचीव नहीं किया, पर फैमिली के साथ कभी एक बहुत अच्छा मोमेंट आया हो उसमें, या किसी ने उसको कोई गिफ्ट किया हो और आपको बहुत खुशी मिली हो, तो इस तरह की कोई भी फोटो मिल जाए आपको तो वो लगाना है। मतलब पास्ट सक्सेस कि सारी पिक्चर, सारे अचीवमेंट को आपको लगाना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप, जैसे मान लो आपने न्यूज़पेपर में कुछ देखा कि कोई अवार्ड ले रहा है और आपको लग रहा है अरे ये ऐसा अवार्ड एक दिन मैं भी लूँगा, या मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं ले सकता हूँ, तो आपको सक्सेस वॉल में वो भी लगाना है। या कभी आपको कोई पोएट्री पसंद आ गई तो आप उसको बहुत अच्छी लगी, और आपने या तो बचपन में कभी कुछ कोट लिखा हो, या कई बार हम लिखते हैं ना
फेसबुक पे कुछ अगर आपने लिखा हो, कोई भी पोइट्री, कुछ अच्छे शब्द लिखे हो, कुछ अच्छा कोट लिखा हो, उसको काट के लगा दीजिए, या अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छी कविता है तो उसको आप निकाल के लगा दीजिए। इट मीन्स आपकी पास्ट सक्सेस की पिक्चर्स को आपको सक्सेस वॉल में लगाना है। वो कुछ भी हो सकती है, जैसे गृहणियाँ हैं, कभी उन्होंने बहुत अच्छी डिश बनाई हो और उसकी फ़ोटो अगर आपके पास हो, या जब डिनर कर रहे होंगे तब की फ़ोटो हो, अगर वो हो तो बेस्ट है, अदरवाइज सेम डिश आप कहीं से लेके उसको लगा सकते हो, उसका नाम भी लिख सकते हो अपने नाम के साथ कि देखो पास में मैंने ये डिश बनाई। क्या होता है सक्सेस वॉल क्या करती है, सक्सेस वॉल जो रियल पावर ऑफ कॉन्फिडेंस या रियल पावर जो सक्सेस का रहता है ना, वो कहाँ छुपा रहता है, आपकी पास्ट विन में छुपा रहता है। मतलब पुरानी जीत में आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो छुपा रहता है, और कॉन्फिडेंस जब तक नहीं है तब तक आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप सोच अच्छे से नहीं पाओगे, आप परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप क्रिएट कुछ अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं ताकि आप उसको महसूस भी कर पाओ, तो फील भी कर पाओ, वैसे वाइब्रेशन होंगे तो वो चीज़ें भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगी, आपके पास आएंगी और रियल सक्सेस मिलेगी आपको, जो कॉन्फिडेंस है। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस या कब नहीं रहता है, जब हमें कोई काम मालूम है कि हम ये करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी, पर हम इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि हम वो काम ही शुरू नहीं करते। और वो स्ट्रेस आउट क्यों होते हैं, क्योंकि हमको सेल्फ डाउट रहता है, हमें खुद ही नहीं पता रहता कि हमें सब पूरा नॉलेज है या नहीं, या कैसे शुरुआत की जाए। इस सब के लिए भी मैं एक टेक्निक बताती हूँ, बहुत अमेजिंग टेक्निक है, अपनी हिंदू धर्म की है पर हमने कभी यूज़ ही नहीं की, पर मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, 1 मिनट की टेक्निक है। 1 मिनट की टेक्निक में आप जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हो या कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, मान लो आप जैसे मैं ये वीडियो बना रही, अभी ये वीडियो बनाने के पहले ही मैंने उस मंत्र का जाप किया। अब तो ये मेरे लिए बड़ा कॉमन हो गया है क्योंकि मैं उस फील्ड से रिलेटेड भी हूँ, आयुर्वेद में MD हूँ, मेडिसिन में प्रैक्टिस भी है, वो सबको पता ही होगा जो भी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। तो ये मेरे लिए योगा, आयुर्वेद, ये सब मेरे लिए बहुत, मतलब मेरी हैबिट बन चुकी है, यूज्ड टू। इसके पावर को भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, स्टूडेंट को भी पढ़ाती हूँ। तो जो वो मंत्र है, वो मंत्र है ओम। इसको भी आप जैसे ही जाप कर लोगे आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओगे और रिलैक्स हो जाओगे, और तब आप सोच अच्छे से पाओगे, ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके अंदर आने लगती हैं, फिर आप बहुत अच्छे काम कर सकते हो और मैनिफेस्टेशन तो होते ही हैं। उसके अलावा जो 1 मिनट की टेक्निक है वो ये है, कुछ भी काम करने वाले हो, आपको डर लग रहा हो तो आप 1 मिनट बैठिए और अपने आप से अपनी पास्ट की सक्सेस को शेयर कीजिए 1 मिनट तक कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, कि देखो मैंने वो अचीवमेंट भी किया, ये काम मैंने बहुत अच्छा किया, ये काम मैंने बिल्कुल सही किया। 1 मिनट तक आपको घड़ी देख के 1 मिनट तक सिर्फ अपनी पास्ट विन की बात करनी है, और आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं मतलब आप किसी को, अगर कोई दोस्त है या कोई आसपास, उससे शेयर भी कर सकते हो कि देखो मैंने लास्ट टाइम ये खरीदा, लास्ट टाइम मैंने ये अचीव किया, लास्ट टाइम मैंने ये स्किल सीखा, लास्ट टाइम मैंने ये अचीव किया, जो भी हो, बस केवल सक्सेस की बात आपको करना है। ये 1 मिनट का टाइम आपको बॉडी में आपकी खुशी के हार्मोन्स को रिलीज करता है, और ये जैसे ही हार्मोन रिलीज होते हैं आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाता है, लेवल अप हो जाता है उसका, क्योंकि वो आपको थिंक बेटर, फील बेटर एंड बिहेव बेटर, मतलब आप ऐसा अच्छे से अच्छा काम भी कर पाओगे। तो जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो हम जो भी काम करते हैं वो तो अच्छा होता ही है, साथ में हम महसूस वैसा कर पाते हैं, और जब हम वैसा महसूस कर पाते हैं, जैसे मान लो किसी ने आपको, फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी ने बुली किया कि अरे तुम ये काम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप उस दिन बिल्कुल थक हार गए, बहुत मेहनत से आपने कोई प्रोजेक्ट सबमिट किया और उसने, सबने उसकी बुराई कर दी कि अरे तुमको तो आता ही नहीं, तो आप उदास होकर कभी अपने घर में आए, आप जब मिरर के सामने देख रहे हो खुद को तो वही हारा हुआ इंसान दिख रहा है, और उसी समय अगर आपने रिमाइंड कर लिया अपनी सक्सेस वॉल को या देख लिया वहीं आसपास कहीं, तो आप वो जो नेगेटिविटी में डूबते जा रहे थे, डिप्रेशन में डूबते जा रहे थे, वो सक्सेस वॉल की वजह से आप अपनी जो फोकस अटेंशन है वो चेंज कर दोगे, चेंज हो जाती है कि अरे मैं ऑथर भी बन सकता हूँ, मैं पोएट्री अच्छी करता हूँ, या मैं देखो मैं कितने अच्छी रिलेशनशिप रख सकता हूँ, मैं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो आपकी जो डिप्रेशन की आइडेंटिटी है या जो आप डिप्रेशन में जा रहे थे उससे चेंज
हो जाएगा इंस्टेंटली, और आप में एक नई ऊर्जा भर जाएगी, आप एक नए ऑथर भी बन सकते हो, बिजनेसमैन भी बन सकते हो, टॉप लीडर्स भी बन सकते हो, जो चाहो वो बन सकते हो। और वही बीज होता है माय डियर फ्रेंड, वहीं से वो पेड़ बनता है। तो सक्सेस वॉल आपके जीवन में बहुत अमेजिंग रोल अदा करता है। ये आप बच्चों के लिए भी बनाइए, आदत डालिए, जिसने भी जो भी पास सक्सेस हो उसकी फ़ोटो अचीव किया हो उसकी फ़ोटो उसको लगा के दीजिए, गिफ्ट भी कर सकते हो। बट सक्सेस वॉल आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके आती है, एंड रियल पावर एग्जिस्ट इन योर पास्ट विंस। तो मैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ही सभी लोग सक्सेस वॉल बनाएंगे, नहीं बनाई तो बनाइए। पर ये विज़न बोर्ड से कैसे डिफरेंस है, विज़न बोर्ड में हम जो फ्यूचर में चाहते हैं हम वो लगाते हैं, और उसको देख के हम ऐसा महसूस करते हैं ये ऑलरेडी है, आई हैव इट ऑल फीलिंग के थ्रू, और उसको लेट गो कर देते हैं, डिटैच हो जाते हैं कि ये तो मेरे पास है, तो मैनिफेस्टेशन होता है। और सक्सेस वॉल आपको रिमाइंड कराती है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, आपके अंदर जो इनर फ्लेम है उसको जलाती है, आपके अंदर जो भी टैलेंट पोटेंशियल है उसको बाहर निकालती है, और आपको उतनी ऊर्जा देती है। आप कहीं भी कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकते हो, सक्सेस वॉल बनाया है अगर आपने तो। तो मुझे पूरा यकीन है ये आपकी मदद करेगी। और सक्सेस वॉल लिखिए उसमें, सक्सेस वॉल कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप क्या चाहते हो वो भी लिखिए, या पास्ट विन लिखिए, जो इच्छा हो आप उसमें शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई टेक्निक के साथ। एक्चुअली कई लोग बोलते हैं इतनी सारी टेक्निक है कौन सी यूज़ करें क्या करें, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप फिक्स हो एक ही टेक्निक के लिए। आपने कुछ दिन वो कर ली, आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जैसे एफर्मेशन, शुरू में मैंने बोली, उसके बाद अब मैं नहीं बोलती हूँ, वो ऑलरेडी मेरी आइडेंटिटी बन गई है। और अगर उसके बाद में बोल रहे हो तो ये टाइम वेस्टेज है, ये टाइम का, हर चीज़ की एक वो होती है, टाइम होता है। अगर उसको आप जी नहीं पा रहे हो, बॉडी नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आप फिर से एक टेक्निक में उलझे हो। तो इस तरह की टेक्निक हम लोग क्या, हर टेक्निक जो हमें नहीं मिलती हम इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब आप बढ़ते जाते हो। तो ज़रूरी नहीं किसी एक टेक्निक से स्टिक रहो, उससे सीखो, उसको करो, ठीक है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आपको जो अच्छी लग रही वो करो। ये तो ज्ञान है, ज्ञान अथाह है, आपको जो चीज़ अच्छी लगे वो फॉलो कीजिए, आपके लिए जो वर्क करे वो कीजिए, आज़ाद रहिए आप, तो कोई किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो चाहते हो वो है, बस इतना महसूस कीजिए पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।